आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद से है, जहां घनी आबादी वाले इलाके में बने अस्पताल में आज बुधवार तड़के सुबह आग लग गई। अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को गंभीर हालत में बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल में भेजा गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां हैं। अस्पताल संचालक डॉक्टर राजन और उनकी बेटी की इस हादसे में मौत हो गई है। शाहगंज क्षेत्र में जगनेर रोड पर स्थित आर मधुराज हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई। हॉस्पिटल में भर्ती तीन मरीज, उनके तीमारदार और स्टाफ अंदर फंस गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, तब तक धुआं पूरे हॉस्पिटल में भर गया। करीब एक घंटे बाद दमकल कर्मियों ने तीन मरीजों समेत चार लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल से बाहर निकाला। इन्हें निकट के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जगनेर रोड पर स्थित आर मधुराज अस्पताल के संचालक डॉक्टर राजन और भवन स्वामी गोपीचंद इसमें भूमिगत तल में जनरल वार्ड, भूतल पर जनरल और प्राइवेट वार्ड है, जबकि दूसरी मंजिल पर गोपीचंद और डॉक्टर राजन का परिवार रहता है। सुबह करीब 5 बजे अचानक प्रथम तल पर हॉस्पिटल में आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे हॉस्पिटल में धुआं भर गया। आग लगने के समय पर 7 मरीज भर्ती थे और 5 स्टाफ के लोग थे। आग लगते ही आसपास के लोग वहां पहुंच गए, पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। अंदर धुआं भर जाने के कारण लोग मरीजों को बाहर नहीं निकाल सके थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। करीब 40 मिनट बाद दमकल कर्मी वहां पहुंच गए। इसके बाद मरीजों को बाहर निकाला जा सका। इंस्पेक्टर शाहगंज जसबीर सिंह सिरोही ने बताया कि 4 लोगों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल से निकालकर निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गद्दों में लगी आग से डॉक्टर और बेटी की मौत हो चुकी है। आर मधुराज अस्पताल में दूसरी मंजिल पर एक कमरे में रखे फोम के गद्दों में आग लगी थी। उस स्थल पर हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर राजन, उनके पिता गोपीचंद, पत्नी मधुराज, बेटी सालू, बेटे लवी और ऋषि के साथ ही रिश्तेदार तेजवीर थे। गोपीचंद और लवी सुबह 5 बजे उठे तो उन्होंने गद्दों वाले कमरे में आग लगी देखी। उन्होंने गद्दों को बाहर निकालने की कोशिश की, तब तक आग से धुआं अंदर की ओर पहुंच गया। इसी बीच डॉक्टर राजन के अंदर का गेट बंद कर लिया। इसके बाद वे परिवार सहित अंदर फंस गए। धुआं नीचे हॉस्पिटल में भी पहुंच गया। दमकल को देर से कॉल किया गया, इसलिए 1 घंटे बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। इसके बाद दूसरी मंजिल पर फंसे डॉक्टर के परिवार को बाहर निकाला गया। डॉक्टर राजन, बेटी सालू, बेटा ऋषि और तेजवीर को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इनमें से डॉक्टर राजन और उनकी बेटी सालू की हालत गंभीर थी, जहां दोनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पिता पुत्री के शव घर लाए गए। बेटे ऋषि की हालत भी नाजुक बनी हुई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। ये आर मधुराज हॉस्पिटल आगरा का है, जहाँ आज सुबह तड़के अचानक आग लग गई, जिससे संचालक और उनके बेटी की मौत हो चुकी है। वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। आई तो ऐसे लगी मुझे तो, वाली मैं तो उठ के सोया आया था। मैं रोजाना उठता था 4:30-5 बजे उठता था और मेरा रोज का काम था। मैं अपना ये फोन बेड पर रख के इस बगड़ी में सोता था ऐसे, तो रात को मेरा फोन इस बगड़ी की वजह इस बगड़ी लगा हुआ था। मैं उठ उठ के देखता रहता था, फोन को देखता रहता था। सुबह आवाज़ मेरे को आई करीब 4 बजे करीब, आवाज़ लगी मेरा ऐसी आवाज़ लगी कि किसी ने मेरा गेट खोला, शटर उठाया। तो मैं उसको मेरे की आई शटर उठाया था मैंने, यार कैसे उठाया जी मैंने। फिर मैं उठ कर गए, मैंने जब मेरी याद में थोड़ा नींद में था लेटा रहा, फिर मैंने देख कर उठ करके जब मेरी यार फोन लिया, मैंने फ़ोन से देखो तो सही क्या बात है मेरी। तो जैसे मैंने फ़ोन उठा कर घूम करके मैंने पहले फ़ोन से देखा तो उसमें 5 बजे मैंने फ़ोन से उठा कर मैंने अपना फ़ोन अपनी जेब में रखा, मैं उतर के बाहर निकल के आया। तो मेरी यार गेट तो हमारा बंद है, गेट हमारा बंद है, तो मेरी आवाज़ कैसे आई। फिर मैंने तुरंत ही क्या हुआ कि मैंने छटने के लिए उसको गेट को खोला अपने को सामने वाले को, और आने के बाद ही मैंने वो उसमें अंदर से देखी आग। तो मेरी ये सब आ गए तो मैंने उठा के शटर को उठाया, जैसे उठाया फटाफट शटर उठा करके मैंने आवाज़ दी, तो मैंने माल सामने जो माल रखा था नीचे फेंका, मेरे बेटे ने ही फेंका। और मैंने ये जो ऐसा कर उन्होंने बच्चों को निकाल पहले बार मैंने उसे आवाज़ दी, बच्चों को निकाल। और छोटा बड़ा नाती मेरा था, बेटा पानी से नहीं ऐसे नहीं चलेगा जी, पानी नहीं जब ऊपर ही आई पानी से।